कितना शुक्र इंसान है आप। मेरी बहन मर गई लेकिन मरने से पहले आपको बेटा दे गई। याद रखिएगा, नाशुक्र लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। बिल्कुल भी तमीज नहीं किसी काम की तुम्हें। पानी से प्याज की बू आ रही है। फरमान, आप बताते क्यों नहीं है? क्या हुआ है आज? तुमने मुझे बताया कि ज़ुलैखा के घर क्या हुआ? उस आदमी के बारे में तो बात करते हुए भी शर्म आती है मुझे। सईद आज मेरे ऑफिस आया था। असमत, मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त करूं। तुमसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अब अगर तुम्हें ज़ुलैखा के बच्चों की याद आए ना तो प्लीज अल्लाह से दुआ कर लेना बस। नहीं फरमान, आपकी इज्जत से बढ़कर नहीं है ज़ुलैखा के बच्चे मेरे लिए। वो तो उन बच्चों की मोहब्बत में मजबूर होके मिलने चली जाती हूँ बस। शहजाद को भी बताओ, उसे समझाओ कि अब वो वहां ना जाए करे। आपके कहने से पहले ही ये बात मैं उसे बता चुकी हूँ। चोट नहीं आई। अब्बा से कहे एक और धक्का दे दे, शायद इस बार चोट आ ही जाए। अल्लाह ना करे। दादू, अब्बा से कहे एक ही बार हम दोनों की जान क्यों नहीं ले लेते? मार दे हमें एक ही बार, जिस तरह अम्मी से उनकी जान छूट गई थी, इसी तरह हमसे भी उनकी जान छूट जाए दादू। तुम दोनों को सलामत रखी, तुम दोनों तो मेरे घर की तितलियां हो। अम्मी कहती थी हम उनकी परियां हैं, आप कहती हैं हम आपकी तितलियां हैं, और अब्बा अब्बा कहते हैं हम मनहूस हैं दादू। दुआ बेटा। जी दादो। इधर आओ। जी बेटे, ये स्कूल से आकर सिला क्यों रो रही थी? वो उसने फिर से अपनी शर्ट फाड़ दी, ये देखें। पहले भी आपने दो जगहों से सिलाई की है, वो ना बिल्कुल खेलते वक्त ध्यान नहीं देती, इसलिए रोज कपड़े फाड़ कर ले आती है। चलो कोई बात नहीं है, सिलाई कर दूंगी मैं। लेकिन दादो, सिला तो जिद करती है कि उसे नया यूनिफॉर्म चाहिए। अब्बा ने शानी को भी तो नया यूनिफॉर्म दिलाया। आ जाता है ना सईद, तो याद कराती हूँ मैं उसको। दादो, शहजाद ने बहुत दिनों से घर पे चक्कर नहीं लगाया। बेटा, उसकी माँ के साथ जो तुम्हारे बाप ने किया है ना, उसके बाद वो यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन दादो, अगर शहजाद नहीं आया हमारे घर तो फिर मैं इम्तिहान किस तरह दूंगी? बात करूंगी सईद से कि अपनी जिद छोड़ दे और तुम्हें स्कूल में दाखिल करा दे। सईद, सईद जिद खत्म कर दे, दुआ को स्कूल में दाखिल करा दे, वो बड़ी हो रही है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरे सामने ये बात मत किया करो। सईद, आजकल बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार कही भी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे, अब की बार ये बात की ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। नहीं दादो, आप अब्बा से बात मत कीजिएगा। उन्होंने अम्मी को कहा था कि उनसे जो भी इस बारे में बात करेगा वो उनकी टांगे तोड़ देंगे। बेटा,
मैं उसकी माँ हूँ और टांगे तोड़ने का हक सिर्फ मुझे है, उसे नहीं। खैर बात है ना, तो मैं बात करूंगी उससे। दादो, मैं वादा करती हूँ कि स्कूल से आकर मैं सारा घर का काम कर लिया करूंगी। नहीं मेरी जान, तुम घर का काम नहीं करोगी, तुम पढ़ोगी। घर का काम करने के लिए हिम्मत है अभी मुझ में। बेटा जो है इन कपड़ों में शहजादा लग रहा है, शहजादा। बल्कि लग क्या रहा है मेरा बेटा शहजादा। बाबा की जान है। क्या बात है अम्मा, ऐसे क्या देख रही हो? कपड़े पसंद नहीं आए शानी के? मैंने कहा था ना, सिला करने आया यूनिफॉर्म आना है, पुराना बिल्कुल फट गया है। फट गया तो सिलाई कर दे। अब कितनी सिलाई करूं? तो फिर उसे भी घर बिठा ले। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं उनका बोझ उठाता फिरूं। खुदा का खौफ कर सईद, बेटियां बोझ नहीं होती। अम्मा मैं इनके लाड नहीं उठा सकता। ठीक है, तुम इनके लाड नहीं उठा सकते, मैं उठाऊंगी इनके लाड। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो सईद, मैं दुआ को स्कूल भी भेजूंगी और तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारी जिद नहीं चलेगी अब बस। अरे दुआ स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? तुम्हारे सारे काम वक्त पर हो जाएंगे सईद, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत कर। क्या मतलब वक्त पे काम हो जाया करेगा? अम्मा फिक्र ना करो। शहजादा लग रहा है, शहजादा। अब बल्कि लग क्या रहा है मेरा बेटा शहजादा। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं उनका बोझ उठाता फिर। ये रात को तुमने क्या किया? ये तो तुम मुझे बताओगी ना कि तुमने शानी के कपड़े क्यों जलाए हैं? बेटे क्यों तुम अपनी और मेरी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही हो? तुम्हारे बाप ने अगर देख लिया होता ना तो तुम्हारी जान निकाल देता। दादो, जान तो निकाल ही देनी है उन्होंने एक दिन।
बेटा क्यों करती हो ऐसी हरकतें कि उसे और गुस्सा आए? क्यों दादो, क्या मैं और सिला इंसान नहीं है क्या? खुश रहने का हक सिर्फ शानी को है। अब्बा के प्यार का हकदार वो इसलिए है क्योंकि वो बेटा है। अगर ऐसा है तो फिर दादी हमारा गला दबा दे, मार दे हमें। और अगर आपसे नहीं होता तो अब्बा को कहे कि हमें मार दे। मेरा इस तरह से तुम्हारे घर आना, तुम्हारा परेशान होना तो बनता है, लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरा यहाँ और कौन है? हम कौन से अपने हैं खाला? सारे रिश्ते तो आपा से थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो हमारा क्या ताल्लुक? ऐसा मत कहो बेटा, मैं जानती हूँ कि सईद ने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। उसकी जुबान अगर मेरे अख्तियार में होती तो वो जुर्रत नहीं करता ऐसी बात करने की। आपको पता है खाला, सईद भाई तो ऑफिस तक पहुंच गए थे, बहुत बदतमीजी की उन्होंने फरमान से। माफी के लायक तो वो है नहीं और ना ही वो शर्मिंदा होगा अपने किए पर, मगर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने ऐसा नाकल बेटा पैदा किया। वो बेटा, मैं दरअसल तुम्हारे पास एक काम से आई थी। जी खाला बताइए। मैं चाहती हूँ कि दुआ का भी दाखिला उसी स्कूल में हो जाए जहाँ सिला और शानी जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है खाला, दुआ माशाल्लाह से बहुत ज़हीन है, उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। मैं तुमसे इजाज़त लेने के लिए आई थी कि शहजाद को क्या मैं अपने साथ ले जाऊँ। देखो ना, वहाँ पर इतने सारे फॉर्म होते हैं, कागजात होते हैं, तो सच्ची बात है मुझसे तो ये नहीं होता, मैं तो परेशान हो जाऊँगी। खाला इतने लंबे चौड़े फॉर्म्स नहीं होते, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ चली चलूँगी। असल में मैं नहीं चाहती कि शहजाद आपके घर ज़्यादा आना जाना रखे। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या फरमान दुआ के साथ तुम्हें जाने देगा? वो कभी भी एक नेक काम से मुझे नहीं रोके। तो फिर हम कल जा सकते हैं क्या? खाला सईद भाई ने इजाज़त दे दी दुआ को स्कूल जाने की? बस मैंने सईद को कह दिया है कि बच्चियों की पढ़ाई पे मेरा हक है और उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करें। अच्छा खाला, दाखिले में जो भी खर्चा वगैरह होगा वो मैं देख। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, मैं संभाल लूँगी, मैं कर लूँगी सब। नहीं खाला, एडमिशन फीस है, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म होगी, किताबें वगैरह, सौ तरीके के खर्च होते हैं। सईद भाई तो आपको घर का खर्चा नहीं देते, ये सब कहाँ से करेंगे? बस आप फिक्र नहीं करें, ये सारा खर्चा मैं संभालूंगी। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा हाला, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी कहाँ हैं? वो सिला और शानी को लेने गई हैं। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। आ जाएंगी, जल्दी किस बात की है? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं तो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, उनके आने तक मैं तुम्हारे पास यहीं रुक जाता हूँ। वो अब्बा आपका इंतजार कर रहे होंगे ना? हाँ कर तो रहे होंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ मैं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, आजकल के हालात नहीं पता, और ऊपर से तुम हो भी इतनी प्यारी। कहाँ जा रही हो? वो सिरा और शानी आते होंगे, मैं उनके कपड़े निकाल कर रख दूँ। अरे क्या जरूरत है, यहाँ रुक जाओ थोड़ी देर मेरे पास, बाद में निकाल लेना। ये बताओ कि कल का कोरमा किसने बनाया था? बहुत ही मजे का था, यकीनन तुमने बनाया होगा। कोरमा? नहीं, वो तो दादू ने बनाया था।
मुझे तो कोरमा बनाना ही नहीं आता। अच्छा तो चाचा अब आप जाएं, वो दरवाजा भी बंद करना है और अब आपका इंतजार कर रहे होंगे दुकान पर, और मेरे घर के भी बहुत काम है। हाँ इंतजार तो कर रहे होंगे। चलो मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। दादो दादो मेरे नए कपड़े कहाँ हैं जो बाबा लेकर आए थे? वो बेटा वो दरअसल तुम्हें जरा छोटे थे ना, तो मैंने वापस भिजवा दिए। अब बाबा तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आएंगे तुम्हारे नाप के। अबे शहजादे उदास क्यों बैठा हुआ है? अम्मा अम्मा अम्मा, वो शानी के लिए जो पतलून और बुशर्ट लाया था ना, वो इसको पहना कर तैयार करते, इसे बाहर लेकर जाना है ताकि इसकी मायूसी खत्म हो सके। बाबा वो नए वाले कपड़े तो है ही नहीं। है ही नहीं क्या मतलब? अब शानी बेटा जाओ अपना नया सैंडल लेकर आओ, मैं पहना देती हूँ। ये क्या कदर किया है शानी? कपड़े है ही नहीं, क्या मतलब? वो सईद वो कपड़े कोई ले गया। क्या मतलब? मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम परेशान ना हो, वो दरअसल एक मांगने वाली आई थी ना, तो जाते जाते वो कपड़े भी उठा के ले गई। यानी उसको शानी के कपड़े ही उठाने थे? नहीं सिला के भी थे उसमें शामिल, सिला की फ्रॉक थी और मेरा तो दुपट्टा था। तभी कहता हूँ अम्मा के दरवाजा बंद रखा करो, हालात अच्छे नहीं है, लेकिन तुम होके सुनती ही नहीं हो मेरी। हाँ बस गलती हो गई, और उस दिन के बाद से तो मैंने तौबा कर ली है कि दरवाजे की तरफ से कभी लापरवाही नहीं होगी। मैं जरा शानी को देख के आता हूँ, उसे तसल्ली देता हूँ कि उसे नए कपड़े दिला दूंगा। सिला जी आपी, तुम्हें पता है मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल जा रही। आप हमें छुट्टी में लेने के लिए आएंगी ना? नहीं। तो फिर दादो मेरा भी एडमिशन करा रही है स्कूल में। सच्ची आपी? हाँ। फिर तो बहुत मजा आया करेगा। लेकिन सिला मैं तो स्कूल मजा करने नहीं जाऊंगी, पढ़ाई करने जाऊंगी, और खूब पढ़ना चाहती हूँ दिल लगाकर। दुआ आपी, अगर अब मुझे स्कूल में कोई भी लड़की तंग करेगी तो मैं आपको बता दिया करूंगी, फिर आप उसे खूब डांटिएगा। अरे वाह, यानी अभी से तुम लड़कियों पर रोब जमाने का सोचने लगी हो। और नहीं तो क्या दादू, शानी भी तो ऐसे ही करता है, अगर उसे स्कूल में कोई भी लड़का तंग करता है या उससे चीज ले लेता है तो मुझे बुलाने आ जाता है। दादू आप हालों को कॉल करके उनको दोबारा बता दें कि कल स्कूल जाना है एडमिशन कराने। हाँ उन्होंने फोन कर दिया, बल्कि ये भी कहा है कि दाखिले के बाद वो हमारे साथ मार्केट भी जाएगी। दादू बाबा को बता दिया? हाँ बता दिया, और मैंने ये भी कह दिया है कि दुआ मेरी बेटी है और इसके बारे में हर फैसले का हक सिर्फ मुझे है। दादो वैसे अगर मम्मी जिंदा होती तो वो कितनी खुश होती ना। हाँ बेटा बस तुम दुआ करो कि वो जहां भी है अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। मैं जरा काम समेट लूं, सुबह तो वक्त ही नहीं मिलेगा है ना? जी दादो चलो सोने की तैयारी करो।
दादू अरे क्या कर रही है क्या कर रही है, गिराएगी मुझे क्या? नहीं दादू, मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छी बात है बेटा, खुश रहा कर। दादू आप देखिएगा, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर नहीं। बेटा पागल हो गई है क्या? दादी का कोई एहसान होता है अपने बच्चों पर? हाँ तुम तो मेरी जान हो बेटा। दुआ तो बहुत खुश होगी ना? हाँ बहुत ज्यादा खुश थी, उसकी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी ना ये। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि सईद अंकल ने इजाजत कैसे दे दी। बेचारी साजदा खाला ने हिम्मत कर ली, वरना सईद भाई कभी इजाजत देने वालों में से थे। एक बात मानेंगी? कहो। मैं दुआ के घर चला जाऊं, मुबारकबाद देके वापस आ जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा ना। उसे अच्छी तरीके से अंदाजा है कि हमारे यहाँ से किसी का भी जाना सईद भाई को बिल्कुल गवारा नहीं, और वैसे भी तुम्हारे बाबा ने सख्ती से मना किया तुम्हें वहां जाने से। बस मैं ठीक लग रही हूँ ना? जी दुआपी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन दुआपी हम लेट हो रहे हैं, दादू कब तक आएंगी? हाँ दादू दादू जल्दी आ जाए, हम लेट हो रहे हैं। आ रही हूँ आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ। आ रही आ रही आ रही। दादू आ गई, चलो दुआपी। हाँ चलो चलो। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अरे इतनी देर बाद आया तू, मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैंने बच्चों को स्कूल से भी लाना होता है। तो आप चली जाती ना, टिफिन मुझे दुआ बना कर देती थी। अब मैं टिफिन बना के दिया करूंगी? दुआ को खैर से मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया, अब माशाल्लाह तीनों बच्चे साथ जाया करेंगे स्कूल। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? मतलब सारा कुछ आपको खुद देखना पड़ेगा। मुश्किल तो होता है, मगर तालीम भी तो जरूरी है ना। जी, अगर आप हुक्म दें तो बच्चों को स्कूल से मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं, आखिर दुकान में भी तो तेरी जरूरत होती है ना, वहाँ देर हो जाया करेगी, मैं ले आऊंगी। अच्छा रोकी तेरी, मैं टिफिन लेकर आऊंगा। मेरे पास पैसे होते तो आइसक्रीम ही ले लेता। पता नहीं दुआ बाजी आज दादो कहाँ रह गई हैं, इतना लेट हो गई है वो। आती होंगी बस। लो आ गई दादो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादू। आज देर हो गई ना, दरअसल वो अमजद देर से आया ना टिफिन लेने के लिए। दादो अगर आप ना भी आती तो मैं इनका हाथ पकड़ के घर ले आती। मुझे मालूम है मेरी बच्ची बहुत समझदार है, लेकिन बेटा ऐसे अकेले मत आना कभी। दादो दुआ बाजी मुझे खेलने भी नहीं देती है। क्यों? दादो आप इसे समझाए ना, मुझे तंग ना किया करें। दादो मैं इन्हें तंग नहीं करता, पूछ ले इससे। अच्छा अच्छा चलो आओ घर चलते हैं ना। आओ बेटा आओ। भाईजान अम्मा जी बता रही थी दुआ ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। हाँ यार बस अम्मा की जिद थी, वरना मैं तो चाहता था कि दुआ घर समा दे। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे, वैसे अम्मा जी की भी हिम्मत है, इस उम्र में तीनों बच्चों को संभाल रही हैं, और उसके ऊपर स्कूल छोड़ना वापस लेकर आना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पे। बस यार अम्मा ने जिद पकड़ ली थी, वरना भला कोई पूछे कि
बच्चियों ने आखिर पढ़कर क्या कर ले रहा है यार? भाईजान अगर आप इजाजत दें तो कल से स्कूल उनको छोड़ने की लेने की जिम्मेदारी मैं उठा लूँ, साथ ही साथ खाना भी ले आया करूँगा। यार तुम्हारी दुकान पे ज्यादा देर ना रहने की वजह से ना यहाँ काम नहीं चलता, रश बढ़ जाता है दुकान पर, और वैसे भी वो बच्चे जो हैं दुआ के साथ स्कूल जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, अब अम्मा के जाने की जरूरत नहीं है। तो काम कर, ये जो कार्टन लाया ना इसको खाली कर, सामान लगाया इधर यहाँ पीछे, मैं कर लेता हूँ। नाराज है मुझसे, बताए ना दादो। बिला वजह की नफरत छोड़ दो शानी से। दादो जब भी मैं शानी को देखती हूँ तो मुझे अम्मा याद आ जाती है। अब्बा शानी की वजह से अम्मा को मारते थे। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, इसमें शानी का कोई कसूर नहीं है। बस छोड़ दे दादो, आपको तो वैसे भी शानी से बहुत प्यार है, बिल्कुल अब्बा की तरह। आपको तो अम्मी भी नहीं याद आती होंगी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, मरने वाले को भुलाया नहीं जाता, और फिर उस बेचारी ने तो सारी जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारी, अगर मैं उसे भूल भी जाऊं तो उसका दुख उसका दर्द तो कभी नहीं भुला सकती। आपको रुला दिया दादो? नहीं बेटा। स्कूल कैसा है तुम्हारा, पसंद आया? दादो स्कूल तो बहुत ही अच्छा है, अभी पढ़ाई में तो सब मुझसे आगे हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सबसे आगे निकल जाऊंगी मैं इंशाल्लाह। दुआ तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना कर सकती हूँ, डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं दादो, बल्कि मैं तो आपसे यही बात कहने वाली थी, आपके घुटनों में दर्द होता होगा तो मैंने सोचा कि शानी और सिला को मैं खुद ही स्कूल ले जाया करूँगी और खुद ही ले भी आया करूँगी। ठीक है, शानी का खास ख्याल रखना, छोटा है अभी, बच्चा है। जी दादो आप थैंक यू अम्मी। किस बात का? और सब के लिए जो आपने दुआ के लिए किया। आज यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लग रही थी। तुम उनकी तरफ गए थे? नहीं नहीं, छुट्टी में मिली थी। अच्छा, इसीलिए इतनी देर से आए? वैसे अम्मी सईद अंकल हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा दिमाग खराब है उनका, उन्हें हमेशा से लगता था कि अगर हम सुलेखा बाजी की मदद कर देते हैं या उनको कुछ समझा देते हैं तो उसका मकसद सिर्फ सईद भाई से नफरत दिलाना था। नफ्सियाती बीमारी है उन्हें। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, स्कूल की तैयारी कर ली तुमने कल की? बस कर रहा था। जाओ जल्दी से जाओ, बैग पैक करो। शहजाद भाई? हाँ आओ आओ चलते। शहजाद तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शहजाद भाई आप इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं सिला, मुझे पता ही है इतने दिनों से घर क्यों नहीं। थैंक यू थैंक यू। मैं
मेरे लिए नहीं लाए? तुम्हारे लिए कुछ और है। क्या? ये तुम्हारे लिए। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू शहजाद। दादी नहीं आई? नहीं, अब हम लोग खुद ही स्कूल से आते हैं। दादी को मेरा सलाम कहना। शहजाद भाई, अब आप घर क्यों नहीं आते? मुझे आपके साथ क्रिकेट खेलना है। दुआ, तुम शानी के साथ क्रिकेट खेल लिया करो। शहजाद भाई, दुआ बाजी को कहाँ खेलने आता है? तुम सही कह रहे हो, इसे तो बैट भी सही से पकड़ना नहीं आता। आओ सिला। अब मजाक कर रहा था। चले। ये देखें, शहजाद ने मुझे गिफ्ट दी है। कहाँ मिल गया शहजाद तुम्हें? वो स्कूल के रास्ते पर मिला था। बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। सही, तुम खैरियत है, इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तक तो खैरियत ही है, लेकिन अगर फरमान और असमत ने अपने बेटे शहजाद को लगामे न डाली ना, तो फिर खैरियत नहीं होनी है। अब क्या कर दिया उसने? जब हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वो इनसे मिलने स्कूल क्यों जाता है? अच्छा है, रास्ते में अगर मिल गया तो कौन सी कयामत आ गई। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे पता चला कि शहजाद तुम लोगों को रास्ते में मिला है और तुम लोगों ने उससे बात की है, उससे बुरा और कोई नहीं होगा। ये कहां से आया तुम्हारे पास? ये शहजाद ने मुझे दिया था। पता नहीं तेरे दिमाग पर कौन सा शैतान सवार हो जाता है कि सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अरे इतनी जरा सी बात के ऊपर इतना हंगामा। बाबा, शहजाद भाई बहुत अच्छे हैं, आप उनसे कहें ना मेरे साथ आके क्रिकेट खेलिया करें। सारी खन्नास इसके दिमाग में तू और सिला भर रही है। देखो बेटा, बाबा के बेटे हो ना तुम, हाँ बाबा की बात मानोगे? शहजाद से तुम्हारा बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने बिल्कुल कोई बात नहीं करनी उससे, अच्छा लड़का नहीं है वो, बाबा की बात मानोगे ना? हाँ, अपनी लाडली को समझा दें अम्मा, नहीं तो मैं खुद जाके फरमान और उसमें से बात करूंगा कि अपने बेटे को लगामे डालें। ठीक है, समझा दूंगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां जाने। हेलो जी, सईद ही बोल रहा हूँ।
क्या? अच्छा आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अबे वो अमजद, वो बच्चों के एक्सीडेंट हो गया, मैं जा रहा हूँ। अरे यार हट, अरे बता के तो जाए किस हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। अल्लाह खैर करे। कौन? खाला, वो बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं।